विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का सामान्य वर्ग पढ़ते हैं अधिगम हेतु आकलन के पाठ्य पुस्तक है। इस पुस्तक के अंतर्गत हमारी जो इकाई है सेकेंड, विषय आधारित अधिगम का आकलन। हम विषय आधारित अधिगम के आकलन के अंतर्गत बहुत सारे प्रकरणों के बारे में हमने पढ़ा है। इसी प्रकरण के अंतर्गत आज हम अवलोकन के प्रकारों के अंतर्गत जो हमने मुख्य बिंदु जो पढ़े हैं, हम अवलोकन के जो प्रकार है वो छह हैं। पहला है अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। तो इनमें से हमने चार तो पढ़ लिए थे, उसमें से आज हम पढ़ेंगे पांचवा है हमारा अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्धसहभागी अवलोकन का मतलब क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि सहभागी और असहभागी, सहभागी और असहभागी यानी पूर्ण सहभागिता एवं पूर्ण असहभागिता दोनों की स्थितियों व्यवहारिक दृष्टिकोण से असंभव होती है। इसी के आधार पर इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए गुड वो हार्ट में मध्यम वर्ग को अपनाने का सुझाव दिया। इसके बारे में व्यक्ति को इन दोनों की स्थिति एक समान नहीं है, तो गुड और हार्ड में क्या है कि हमें मध्यम के दोनों के मध्य स्थिति को अपनाना चाहिए। उसे बोलते हैं अर्ध सहभागी अवलोकन। किसने कहा है ये क्या है हमारे गुड और हार्ड के अंदर क्या है कि सहभागी और असहभागी स्थितियों में व्यवहारिक संभव नहीं हो पाता है, तो इनके मध्यम स्थिति इसके बीच वाले व्यवहार को अपनाना चाहिए। इसे बोलते हैं अर्धसहभागी अवलोकन कहते हैं। अर्थात अर्धसहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन, भागी अवलोकन दोनों के समन्वय होना चाहिए, समन्वय दोनों के वृद्धि होना चाहिए। उसे बोलते हैं अर्धसहभागी अवलोकन कहते हैं। इस प्रकार के अवलोकन में जो अध्यापक जिस विद्यार्थी का अवलोकन कर रहा है वो उसकी परिस्थिति, आवश्यकता और घटनाओं की प्रकृति के 56 के अनुसार कभी अध्ययन समूह में सब भागीदार निभाते हुए सूचना एकत्रित करना, मतलब अध्यापक के द्वारा जो शिक्षण कार्य संपूर्ण हो जाता है उसके बाद विद्यार्थी उस क्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया करने के लिए अपने अनुसार उसके लिए एक डाटा तैयार करना या रूपरेखा तैयार करने के लिए क्रिया सूचना एकत्रित करता है। जैसे एक विलियम व्हाइट ने कहा है, हमारे विलियम व्हाइट जो एक इस विद्वान है, इस विद्वान ने इसके अंदर कहा है कि हमारे समाज की जटिलता को देखते हुए पूर्ण एकीकरण का दृष्टिकोण अव्यवहारिक रहा है। अगर हम देखते हैं हमारे आसपास समाज में देखते हैं तो हमारा जो व्यवहार असामाजिक व्यवहारिक है, एक जाति के साथ एकीकरण से उनका संबंध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है। मतलब हमारा एक समाज जो है वो समाज हमें एक लेकर ही चलना पड़ता है। अगर हमारे समाज में उसकी तुलना नहीं होती तो हम दूसरे समाज की तुलना करते हैं। अतः अर्ध सहभागिता अधिक संभव होने के साथ ही उपयुक्त भी प्रतीत होते हैं। मतलब इसका संबंध सहभागिता और असहभागिता का संबंध नहीं बैठना है तो हमें अर्ध सहभागिता का अध्ययन करना चाहिए। ये हमारे विलियम व्हाइट ने कहता है कि जब समाज के अंतर्गत एक दूसरे से अगर हमारा व्यवहार नहीं हो पा रहा है तो हम अर्ध संपर्क में कहते हैं कहते हैं कावत हो गई है
तो अपना तो नहीं, खुद के तो हमारा होते हुए भी व्यवहार जो है परायु से हमें मिलता है, जो दूसरा व्यवहार जो है हमें उस व्यक्ति से मिलता है जो हमें अपनों से भी ज्यादा रखता है। तो अर्थ समझ तो है कि इन दोनों की मध्य संबंध होने का हमें इस प्रकार मध्य उम्र के व्यक्ति के साथ में संबंध अवलोकन करना चाहिए। कहना मतलब है कि जब एक अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी का अवलोकन हो जाता है तो उन दोनों के मध्य नहीं होता, तो हम बच्चों की जगह विद्यार्थियों के अनुसार जो पूछेंगे, प्रस्तावना पूछेंगे, उन प्रस्तावना के आधार पर कहा जाता है कि वास्तव में उस अध्यापक उस विद्यार्थी ने क्या मेहनत की उस विद्यार्थी को समझाने के लिए। तो ये हमारे एक अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य जो विद्यार्थी को संपर्क रहता है वो हमें अर्धसहभागी अवलोकन के अंतर्गत कहा जाता है। तो फिर मेरे विद्यार्थियों इस टॉपिक में इतना ही, क्योंकि ये मैंने इनको शॉर्ट समझाया है, ये संक्षिप्त नहीं है, संक्षिप्त तौर पर हमने समझाने की कोशिश की है। हम अगले जो वीडियो है वो हम पढ़ेंगे सामूहिक अवलोकन, हम अगले वीडियो वेब व्याख्यान के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।